वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री। माय नेम इज़ डॉक्टर संदीप शर्मा और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इन दिस लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स वी विल डिस्कस अबाउट द मेटल एज वेल एज द नॉन मेटल, कंपेरिजन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, इम्पोर्टेंस ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स मीन्स दैट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्यूरेंस यू कैन सी ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल मिनरल्स एंड ओर्स, कैटेगरी ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटीज रीच, कोरोजन और एलॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, इन आवर डेली लाइफ यू नो वी यूज़ ए वाइडली वेराइटी ऑफ द फूड आइटम एंड डिशेज, दीज फूड आइटम्स एंड डिशेज आर प्रोसीड एंड सर्व इन द डिफरेंट यूटेंसिल विच आर जनरली मेड अप ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेज और एलिमेंट सच एज एल्यूमिनियम, सिल्वर, स्टील, ग्लास, कॉपर, आयरन, अर्थन वार, पॉर्सलिन, बोरोसिलिकेट एट्सेट्रा। ऑल दीज यूटेंसिल प्रोसेस पोजेसेस डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो बात कर लेते हैं, यू कैन सी हेयर इन द क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट द वेरियस एलिमेंट, यू हैव सीन दैट एलिमेंट आर क्लासीफाइड एज द मेटल एज वेल एज द नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यू कैन सी हेयर मेटल्स। द अर्लीस्ट वे टू स्टार्ट grouping the substance is by the comparing their physical property. Let us study this with the help of the following activity. So with the help of this activity you can see here, baat kar lete hain, take a sample of iron, copper, aluminium and magnesium, note the appearance of each sample, clean the surface of each sample by the rubbing them with the sandpaper एंड नॉट देयर appearance अगेन। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, द मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव साइनी सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटलिक लस्चर। तो कह सकते हैं कि कोई भी मेटल होता है उसको अगर रब कर लेते हैं तो उसकी सरफेस हमारी होती है साइनी, जबकि एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल साइनी सरफेस नहीं होती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो मेटल एक्चुअली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल विद ए शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, होल्ड ए पीस ऑफ द सोडियम मेटल विद ए पेयर ऑफ द टंग्स कॉस, देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ड्राई इट बाय द प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर। देखिए एटमोसफियर के साथ में ऑक्साइड्स फॉर्मेशन कर लेता है, तो सोडियम क्या होता है, इसको कैरोसिन बोतल या कैरोसिन के अंदर रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है, नेचर के साथ में रिएक्ट कर लेता। पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद ए नाइफ, वाट डू यू ऑब्जर्व। तो ये एक्टिविटी में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी हेयर, यू विल फाइंड दैट मेटल आर जनरली हार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हैव द साइनी सरफेस, मेटल आर जनरली हार्ड इन नेचर, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, मेटल का एग्जाम्पल में देख सकते हैं आयरन भी है। तो हार्डनेस वेरीज फ्रॉम द मेटल टू मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, टेक पीस ऑफ द आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन, स्ट्राइक इट 4 or 5 times विद ए हैमर। तो देख सकते हैं कि किसी मेटल को अगर हम लेकर के हैमर से बीट करते हैं तो व्हेन वी स्ट्रक्ट ए मेटल, तो स्ट्रक्ट ए मेटल इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल, जबकि नॉन मेटल में हमारी साउंड इतनी नहीं होती। तो बात कर लेते हैं रिपीट विद अदर मेटल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल। तो मेटल्स हैव द कैटेगरी, यू will find that some metals can be beaten into the thin sheet,
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मीन्स दैट हमारे पास में मेलेबल और डक्टाइल्स टू टाइप्स की क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेलेबल्स। तो मेलेबल मेटल होती है जब हम इसको मेटल को बीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हैमर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, तो एक शीट की फॉर्म में बन जाती है। तो सिल्वर फॉइल्स हम स्वीट्स में भी खाने में यूज़ कर स्वीट्स के ऊपर भी यूज़ कर लेते हैं प्रिजर्व करने के लिए, उसे लॉन्ग टाइम तक स्वीट को रखने के लिए, देखा होगा। तो सिल्वर फॉइल वो इसी तरह से होती है। इसी तरह से हम रोटी रैप करते हैं अपना, तो रैप करने के लिए लपेटने के लिए तो वो भी सिल्वर फॉइल का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से सिल्वर मेटल हैज़ द गुड क्वालिटी फॉर द मेलेबल करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं डक्टाइल। यू नो एक्चुअली 1 किलोमीटर लेंथ ही वायर बनाया जा सकता है इवन 1 ग्राम गोल्ड से। तो ये गोल्ड क्या होता है, इसकी डक्टिलिटी, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी मेटल होती है गोल्ड में। और कुछ मेटल फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम मेटल है, हम इसका खाने में भी यूज़ करते हैं, वी यूज़ सोडियम मेटल फॉर ईटिंग पर्पज़। नेक्स्ट देख लेते हैं द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रा इनटू थिन वायर इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ ही कैन बी ड्रा फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड। यस, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ ही वायर बनाया जा सकता है। यस, तो देख सकते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबल एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। तो इसके साथ साथ में देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यहाँ पे, टेक ए एल्युमिनियम एंड कॉपर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यू कैन सी हियर। टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर क्लैंप विद वायर ऑन ए स्टैंड। देख सकते हैं फिगर में इस तरह से इसको एडजस्ट किया है। मेटल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर अगर हम इसको गर्म करते हैं मेटल वायर को, तो ये क्या होगा, पूरे फ्री एंड ऑफ वायर पिन और वैक्स। तो यहाँ पे हमारी जो वैक्स है ये भी हमारी क्या हो जाएगी, पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरफ एक सरफेस पर अगर हम गर्म करते हैं तो होल क्लैम्प, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रॉड पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। हॉट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर हो जाएगा, सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द वॉक टी शो द मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बात कर लेते हैं डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ द अदर एक्टिविटी देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी हियर। यहाँ पे ये बल्ब हमने एडजस्ट किया, दिस इज अ बैटरी मे बी 6 वोल्ट 12 वोल्ट, और यहाँ पर हमारा स्विच है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे ही हम इस पर कोई वुड वगैरह लेते हैं, वुड, तो बल्ब हमारा बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करता। बट लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई मेटल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर मेटल ले लें या एफी भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं, तो क्या होता है कि बल्ब हमारा ग्लो अप हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इट इज़ ए मेटल इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ, यू मस्ट हैव टू सी दैट वायर दैट कैरिड करंट इन योर होम हैव ए कोटिंग ऑफ पॉली पीवीसी और ए रबर लाइक मटेरियल। यू आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड, सॉरी, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंसेस। तो सच सब्सटेंसेस पीवीसी से इसको कोटेड इसीलिए करा जाता है क्योंकि वो जिससे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, उसकी सरफेस पर इसीलिए हम जो वायर होती है उसके ऊपर हमारा पीवीसी रबर लाइक मेटेरियल होता है, जो जिससे क्या होता है करंट हमारा उसके अंदर की तरफ सिर्फ वायर वायर में ही कंडक्ट करता है। तो व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, तो देखते हैं डू दे प्रोड्यूस ए साउंड। यस, तो मेटल्स आर हैव द हार्ड सरफेस आर सेट टू बी द सोनरस। तो सोनरस होते हैं। बात कर लेते हैं नॉन मेटल की, यू कैन सी हियर नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल्स इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट देयर आर द वेरी
फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू द मेटल्स। तो बात कर लेते हैं हमारे पास में सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्टेड ब्रोमिन व्हाइल इज ए लिक्विड। तो बात कर लेते हैं हमारे पास में एच जी मेटल क्या होती है, हमारी लिक्विड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह से ब्रोमीन हमारी नॉन मेटल भी हमारी कैसी होती है, एक्सेप्शन लिक्विड स्टेट में होती है। आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ इन ए लिक्विड स्टेट ब्रोमीन। तो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी कंपेयर। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस टेबल को कंप्लीट करना है, कर सकते हैं। एलिमेंट, सिंबल, टाइप ऑफ द सरफेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी और सोनोरिटी। देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास। तो इसके साथ साथ में देख लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम। पॉइंट बाय गैलियम एंड सीजियम हैव द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दीज टू मेटल विल बी मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। तो हमारे पास में मेटल्स होते हैं गैलियम और सीजियम, जिसको हम अपने हथेली पर रखेंगे उसके टेम्परेचर से मेल्ट हो जाएंगी। आयरन इज ए नॉन मेटल बट इट इज़ ए लस्चेरियस। यस, कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन बी एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म। मतलब डायमंड एज वेल एज द, यू कैन सी हियर डायमंड एंड डायमंड एन एलोट्रॉपिक ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज द नॉन एंड हैव द वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो एम पी और बी पी होता है बहुत ज़्यादा हाई, किसका, हमारा डायमंड का। तो डायमंड के जो दो फॉर्म होती है, दो या तीन फॉर्म होती है डायमंड। डायमंड होती है इसकी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म, एक होती है बकमिंस्टर फ्लिंस और एक होता है हमारा फॉर्म होती है इसकी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज समटाइम टेम्परेचर बढ़ाने पर वर्क एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज अ डायमैग्नेटिक प्रॉप सो द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एल्कलाई मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये नोट कर सकते हैं आप। तो बात कर लेते हैं, दीज आर द रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यू कैन ईजिली सॉल्व फॉर और रिलेटेड दीज क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।